प्रदीप पांडे चिंटू जी, जैसा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी जगह जानता है कि आप एक बहुत बड़े स्टार अपने आप को साबित कर चुके और हैं, तो आप इस टाइम कौन सी फिल्म के लिए यहाँ लखनऊ में आए? हम सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को उनके अपने और सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। और चूंकि मैं लखनऊ में ही शूटिंग कर रहा था पिछले काफ़ी समय से, जिस फिल्म की शूटिंग चल रही है loveviva.com, तो जस्ट मैं शूट छोड़ कर आया हूँ। एक बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही कमाल का सिनेमा का निर्माण होने जा रहा है, जिस फिल्म का नाम है सन्यासी। तो जैसा कि इसके आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होने वाला है इसमें, लेकिन ये बिल्कुल जो आप लोग टाइटल से समझ रहे हैं कि सन्यासी में क्या होगा, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है फिल्म में, जो हमेशा से जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो वाकई में जो विष्णु पितामह कहे जाते हैं और जो मेरे पिता के साथ साथ भोजपुरी में वाकई में जिन्होंने कईयों के जीवन संवारा है मेरे साथ साथ, कईयों का मतलब मैं अगर बताऊँ तो लगभग लोग आ जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, श्री राजकुमार आर पांडे जी उसका निर्देशन करने जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो हमेशा से सौभाग्य रहता है कि मैं उनके ही डायरेक्शन में काम कर पाऊँ। और काफ़ी समय से अभी हम लोगों ने दो फिल्म काफ़ी समय के बाद हमें मौका मिल पाया कि दो फिल्म कर पाएँ, ससुरा बड़ा सतावेला और इश्क, और उसके बाद फिर अब सन्यासी लेकर आ रहे हैं, जिसके निर्माता हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक प्रेम राय जी हैं। उनका हमेशा ये सोच होता है, उनकी हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो हमेशा बेहतरीन फिल्म बनाए, खूबसूरत फिल्म बनाए, भव्य फिल्म बनाए, कि ताकि भोजपुरी सिनेमा जगत में एक और ऊंचाई स्थापित हो और भोजपुरी को और ऊपर लेके जा सके। सन्यासी एक बहुत ही डिफरेंट अलग तरह का किरदार है, सन्यासी से पहले आपने इस तरह की कोई किरदार अभी तक किया नहीं? नहीं, तो इसके पहले आप जो है एज ए लवर हुआ है और आप कई तरह के कैरेक्टर आप अपने आप को साबित कर चुके हैं जी, तो सन्यासी के कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज के रूप में आप देख रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी कोई भी फिल्म करूँ तो एक नए लुक के साथ, एक नए कैरेक्टर के साथ, एक ऐसी जीवनी जीव जो लोगों ने पहले पर्दे पर नहीं देखा है। और ये सन्यासी जो है मेरे लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ऐसे अब तक ऐसा कुछ भी मैंने किया नहीं है कभी, और मेरी हमेशा से ललक रहती है, मेरा एक्साइटमेंट रहता है हमेशा कि कुछ नया करूं, बेहतर करूं, अच्छा करूं, कि ताकि जो मेरा भोजपुरी, जो मेरा समाज है, मेरा भोजपुरी परिवार है, जिनका प्यार अथाह हमेशा मुझे मिलता आया है, हर बार मिलता आया है, और मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनके उम्मीदों पर, उनके जो वो सोचते हैं मुझको लेकर कि चिंटू की फिल्म आएगी तो धमाकेदारी होगी, चिंटू की फिल्म आएगी तो कुछ नया होगा, तो इस सोच को मैं हमेशा जारी रखूँ आगे भी। और सन्यासी बहुत कुछ नया देने वाला है आपको, बहुत कुछ कमाल देने वाला है आपको, और बहुत बहुत कुछ एकदम धमाकेदार होने वाला है इस फिल्म में। सन्यासी जैसा कॉन्सेप्ट है चिंटू जी, और ये कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है किस तरह, शॉर्ट में आप बताइए कि किस तरह का जो है कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है क्या कुछ नया देखने को मिलेगा सिनेमा? मैं अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वही ट्विस्ट ही है, अगर वो मैं उसके बारे में कुछ ज़रा सा भी बोल दिया तो वो ट्विस्ट का मज़ा खत्म हो जाएगा, और मैं चाहूँगा कि बात पर्दे में रहे, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया तो फिर तो इसीलिए मैं चाहूँगा पर्दा सिनेमा हॉल में खुले, और उसके पहले इसके फर्स्ट लुक पोस्टर जब आएंगे ऑफिशियल, और जब इसका ट्रेलर जाएगा तो उससे आप सबको एक आइडिया हो जाएगा कि सन्यासी वाकई में क्या है, ये फिल्म क्या है, क्योंकि जब भी श्री राजकुमार आर पांडे जी जब भी किसी भी फिल्म को बनाते हैं तो एक नया फ्लेवर लेकर आते हैं, एक नया स्टाइल लेकर आते हैं, कि ताकि हमारा जो भोजपुरिया परिवार है पूरे परिवार के साथ बैठकर अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में, अपने दोस्त यार के साथ, पूरे परिवार के साथ बैठकर, चाची नानी माई मौसी फूफा जितना भी लोग के होगा सब के साथ बैठ के आराम से सिनेमा देख सके। एक भीष्म पितामह के रूप में आप अपने पिताजी को देखते हैं श्री राजकुमार आर पांडे जी को जी, और वो है भी जी, में अगर देखा जाए उन्होंने अपने आप को साबित भी किया जी, तो राज जी के साथ और अदर डायरेक्टर के साथ काम करने में आप कितना डिफरेंट देखते हैं, कितना कंफर्टेबल आप महसूस? ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं बल्कि भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं सब की ये बात होती है, सबकी ये अपनी क्या बोलते हैं उसको फीलिंग्स होती हैं, जब भी वो कोई भी जब इनके साथ काम करते हैं तो सब पूरी तरह एक पारिवारिक और एक गार्जियनशिप में सब कोई होता है, और मैं तो चूंकि उन्हीं का पुत्र हूं तो मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि मेरे पिता के साथ काम करूँगा, और उन्होंने ही मुझे तराशा है, उन्होंने ही मुझे हर बारीकियाँ समझाई है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, फील्ड चाहे एक्टिंग फील्ड में हो या टेक्निकल, कोई भी जो लोग कहते हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छा है, आप चीज़ें भी जानते हैं, तो उसका कारण सिर्फ मेरे पिताजी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर बारीकियाँ मुझे सिखाई है, हर चीज़ मुझे समझाया है, तो इसलिए मैं तो हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अन्य भी जो भी डायरेक्टर्स हैं वो सब बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उनके साथ जब भी कोई
जिस भी डायरेक्टर के साथ सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना बनाने का एक तरीका है, अपना अपना फ्लेवर है, और सब लोग मुझे अपने फ्लेवर में ढालते हैं, अपने तरीके में, अपने स्टाइल में मुझे प्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं इस बात के लिए मैं सभी जितने भी लोग हैं सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि जो सोच आप लोग लेकर हमेशा चिंटू को लेकर चलते हैं सिनेमा में, और जो सोच लेकर आप लोग मेरे पास आते हैं कि चिंटू को लेकर मैं ये फिल्म बनाऊंगा, ये परफॉर्मेंस लेवल होगा या ऐसा कुछ, तो मेरा हमेशा कोशिश रहेगा, प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा उस सोच को पूरा करूं और आप सबके विश्वास पर खरा उतरूं, और आप जो भी सोचें मुझको लेकर उस सभी सोच को मैं पूरा करूं, बहुत अच्छे से अपना काम करूं जो भी मैं कर रहा हूं। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू हमारे सभी जनता जनार्दन का है, जिन्होंने हमेशा से मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। किंतु जी एक आखिरी सवाल और बहुत ही अहम सवाल, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सन्यासी के लिए सन्यासी से रिलेटेड मैं सवाल करूंगा जी। एक अंतिम सवाल ये है कि आप एक डिफरेंट किरदार करने जा रहे हैं, इससे पहले आपने ऐसे किरदार शायद नहीं किए जी, मेरी जानकारी जहाँ तक। हाँ, तो आप आखिरी सवाल के जवाब दीजिए कि किस तरह से आप इस फिल्म को देख रहे हैं, ये क्या मील का पत्थर साबित हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब चयन करने की बात आई कि कौन सी फिल्म को अभी किया जाए, तो सबसे पहला और सबसे एकदम सामने नाम आया सन्यासी, क्योंकि ये जो कहानी है, ये जो टाइटल है सन्यासी, इस पर हम लोग कई समय से हम लोग काम करना चाह रहे थे, इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मैं दूसरी गतिविधियों में ज़्यादा व्यस्त हो गया, दूसरी फिल्म में बहुत ज़्यादा फिल्में साइन करने को हो गया, तो उसमें मैं ज़्यादा बिजी हो गया, तो ये फिल्म एक हमारी जो एक वन ऑफ माई ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से मैं बोलना चाहूँगा। तो ये फिल्म बहुत ही कमाल का, बहुत ही अनोखा है, बल्कि इन्हीं सब फिल्मों के चलते हमारे भोजपुरी का स्तर और ऊपर उठेगा, और जो हम जो मल्टीप्लेक्स में जो जाने की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी को और ऊंचाइयों तक लेकर जाए, चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी हमेशा से ये प्रयास उनका भी रहता है, उनका समर्थन रहता है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, उनका एक अटूट और एक अलग सा एक लगाव है हमारे सिनेमा को लेकर, तो उनसे भी ये गुजारिश, और वो भी इस चीज़ के लिए हर संभव वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भोजपुरी भाषा को और ऊंचाई मिले, मल्टीप्लेक्स में भी लेके जाया जाए। तो ये सन्यासी वो फिल्म है जो मल्टीप्लेक्स तक लोगों को लेकर जाएगा, भोजपुरी सिनेमा को लेकर जाएगा, और हमारे भोजपुरी दर्शकों को, जो दर्शक है जो मल्टीप्लेक्स में हमारी अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा की फिल्म को, भोजपुरी फिल्म को मल्टीप्लेक्स के बड़े सिनेमाघर में देखना चाहते हैं, तो ये वो फिल्म है जो उन लोगों को खींचेगा, लोगों को सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस तक पहुंचाएगा, और लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगा फिल्म। ये मेरा पूरा दावा है। थैंक यू सो मच। और मैं बस जाते जाते ही बोलना चाहूँगा आप सभी से कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही अपने चिंटू पर बनाए रखें, और बहुत जल्द होली का एक धमाकेदार गाना आप सबके बीच आ रहा है, तो ज़रूर सुनिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और दिल से आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। लव यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.